हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेल। आज हम रचना प्रसून क्लास फोर्थ का चैप्टर 11 क्रिया इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों आप बताएंगे जरा, क्रिया किसे कहते हैं? यस, काम को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, काम को ही क्रिया कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो काम को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे सूर्य निकल रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, नदी बह रही है, रवि पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें सूरज क्या काम हो रहा है, निकल रहा है, पानी दे रहा है, बह रही है, उड़ रहा है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में निकल रहा है, बह रही है, शब्दों द्वारा व्यक्त कार्य अपने अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? निकल रहा है, बह रही है, सूर्य निकल रहा है और नदी बह रही है, काम अपने आप हो रहे हैं। और पानी दे रहा है और उड़ा रहा है। ठीक है, रवि पतंग उड़ा रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो ये काम क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सब के सब क्रिया है और सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, होने मतलब जो अपने आप हो रहे हैं, ठीक है, सूरज निकल रहा है और नदी बह रही है, अपने आप हो रही है, या फिर करने का जो किया जा रहा है उसका बोध होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, वचन आदि के अनुसार क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे वचन के अनुसार कैसे होता है, जैसे एक वचन है ना, मोहन पढ़ रहा है, हमने बोला कि मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोहन पत्र लिख रहा है, पुल्लिंग हो गया, और सीता पत्र लिख रही है, तो क्रिया चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, लिंग के अनुसार, ये हम देख रहे हैं लिंग के अनुसार कैसे क्रिया चेंज होती है। यहाँ पर था पुल्लिंग और यहाँ पर था स्त्रीलिंग, तो इनके अनुसार क्रिया चेंज हो गई। वहां पे पुल्लिंग था तो माली पौधों को मोहन पढ़ रहा है ना, माली पौधों को पानी दे रहा है, ये पुल्लिंग है, पढ़ रहा है, दे रहा है, और सीता पत्र लिख रही है तो वो स्त्रीलिंग है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट करता, तो स्त्रीलिंग हमारी के अनुसार हमारी क्रिया चेंज हो गई। उसके बाद वचन के अनुसार क्रिया कैसे चेंज होती है, जैसे घोड़ा दौड़ता है और घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा एक वचन है, ठीक है, तो हो गया घोड़ा दौड़ता है ना, और बहुवचन हो गया तो घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ता है, दौड़ते हैं, डिफरेंस है ना इसमें, एक वचन था वो घोड़ा दौड़ता है, और बहुवचन किया तो दौड़ते हैं। ठीक है, तो वचन के अनुसार इस तरह से क्रिया चेंज होती है। लिंग क्रिया के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, हमने पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, सकर्म मतलब कर्म के साथ, और अकर्म कर्म के बिना, इस तरह से आप याद रखेंगे, सकर्म कर्म के साथ, अकर्म कर्म के बिना, जिसमें कर्म पाया जाता है, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जिसका कर्म नहीं पाया जाता उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, और अब आप पहचानोगे कैसे जिन क्रियाओं का कर्म, जैसे रवि साइकिल चला रहा है और रीना गाना गा रही है, तो इन वाक्यों में साइकिल और गाना क्या है, कर्म, और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्रिया नहीं मतलब कर्म के बिना क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के बिना क्रिया, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उनको हम अकर्मक कहते हैं, और जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया के आगे क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया, और यदि उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो अकर्मक क्रिया। इसको हम इस तरह से समझेंगे, देखो रवि साइकिल चला रहा है, तो हमने इसमें क्या क्वेश्चन, क्या शब्द लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे, रवि क्या चला रहा है, उत्तर मिला साइकिल चला रहा है, उत्तर मिला साइकिल, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। और रवि सो रहा है, ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाकर पूछेंगे, रवि क्या सो रहा है, उत्तर मिला नहीं, ठीक है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। ठीक है, वाक्य प्रश्न उत्तर, ठीक है, यहाँ शेर दहाड़ता है, शेर क्या दहाड़ता है, कुछ नहीं, तो ये है अकर्मक क्रिया। चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया क्या चुग रही है, दाना, तो इसका आंसर हमें मिल गया तो ये सकर्मक है, जिसका उत्तर हमें नहीं मिलता वो अकर्मक, जिसका आंसर हमें मिल रहा है वो सकर्मक। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा, आंसर मिला रावण को मारा, तो ये सकर्मक हो गया। और कलिका नाचती है, कलिका क्या नाचती है, कोई आंसर नहीं मिला हमें, तो ये अकर्मक क्रिया। इस तरह से हम क्रिया की पहचान करते हैं कि कौन सी क्रिया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्रिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया से आप
समझते हैं। अभी अब हमने पढ़ा था जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, ठीक है। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा जिस क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण बताइए, रवि सो रहा है और कलिका नाच रही है, ठीक है। रवि क्या सो रहा है पता नहीं, कलिका क्या नाच रही है पता नहीं, तो ये दोनों हो गए हमें अकर्मक क्रिया के उदाहरण, क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा है। समझ आया बच्चों आपको? अब देखते हैं हम इसके एक्सरसाइजेस, लिखित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले क्रिया किसे कहते हैं, ये भी वही अभी हमने डिस्कस किया था, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती है, अभी हमने पढ़ा कितने प्रकार की होती है, दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक व अकर्मक क्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने पढ़ा आपको सिर्फ इतना लिखना है, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे रवि साइकिल चला रहा है, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कलिका नाच रही है या मोर नाच रहा है, ठीक है। ये हो गए इनके एग्जाम्पल। अब है उपयुक्त क्रिया शब्दों द्वारा खाली जगह भरिए। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिया शब्द द्वारा हमें भरना है, जैसे अध्यापक डैश रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, दर्जी कपड़े डैश रहा है, ठीक है। थर्ड है धोबी कपड़े डैश रहा है। नेक्स्ट गाय गाय घास डैश रही है। और लास्ट है विभा टीवी डैश रही है, ठीक है। तो इन खाली जगह पर हमें हम फिलप्स में हमें क्रिया शब्द पढ़ने क्रिया, ठीक है। अध्यापक डैश रही हैं, क्या कर रहे हैं अध्यापक, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। दर्जी कपड़े क्या कर रहा है, सिल रहा है, ओके। दर्जी कपड़े सिल रहा है। धोबी कपड़े डैश रहा है, क्या कर रहा है धोबी कपड़े, धो रहा है, ओके। गाय घास डैश रही है, गाय घास क्या कर रही है, चर रही है। और विभा टीवी क्या कर रही है, वो देख रही है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है, बताइए कौन सी क्रिया इसके अंदर, सकर्मक या अकर्मक। बालक गेंद से खेलता है, यस, इसके अंदर है सकर्मक क्रिया। अगर इसमें हम क्या क्वेश्चन लगाकर पूछते हैं तो आंसर हमें मिलता है, बालक क्या खेल रहा है, बालक किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, ठीक है, गेंद से खेल रहा है, किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया, ठीक है, ये है हमारी सकर्मक क्रिया। सेकंड है रवि हंस रहा है, रवि क्या हंस रहा है नहीं पता, नहीं आंसर मिला हमें, तो ये है हमारी अकर्मक क्रिया, ओके। नेक्स्ट है रवि मेला देखने गया, रवि क्या देखने गया, आंसर मिला मेला, ठीक है, तो ये है हमारा सकर्मक क्रिया। जिसका आंसर हमें मिलता है वो होती है सकर्मक क्रिया, और जिसका नहीं मिलता है वो होती है अकर्मक क्रिया। चिड़िया चहकती है, चिड़िया क्या चहकती है नहीं पता, तो ये है अकर्मक क्रिया। समझ आया बच्चों आपको, अच्छे से इसको लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं, कर्म क्रिया कर्ता या काल, क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है। क्रिया के भेद होते हैं कितने, दो चार छह या आठ, अभी हमने पढ़ा था कितने होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाओं में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, काल, कर्म, कर्ता या कारक। अभी हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया का कर्म होता है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कर्म। माँ फ्रॉक सिल रही है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, अकर्मक सकर्मक दोनों या क्रिया नहीं है। माँ फ्रॉक सिल रही है, कैसे पता चलेगा हमें, माँ क्या सिल रही है, इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड लगाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे, माँ क्या सिल रही है, तो आंसर मिला हमें फ्रॉक, तो कौन सी क्रिया होगी इसमें, सकर्मक, ठीक है।
अब मैं प्रातःकाल होने वाली अथवा की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख करते हुए पांच वाक्य लिखिए, ठीक है। सूरज उग रहा है, हवा चल रही है, नदी बह रही है ना, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी फाइव सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब आपका ये अच्छे से रिवीजन हो चुका है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए, चैप्टर को लर्न कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को अच्छे से समझ कर इसको लर्न कीजिए और इसका रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।